गांधी जिंदाबाद, 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 महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में नूरपुर और कैराना की सीटों पर समाजवादी पार्टी और रालोद ने जीत हासिल की। इस बात की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हरि पर्वत चौराहे पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाइयां दी। उत्तर प्रदेश में जनता ने ये रिजल्ट देना शुरू कर दिया है और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी हुई है और केंद्र के अंदर ऐसा एक बाबा बैठ गए हैं जिन्हें अपने देश की चिंता नहीं है, अपने घर परिवार की चिंता नहीं है, अपने जो है परिवार को नहीं देख पा रहे, ये दो लोग देश को क्या चलाने का काम करेंगे। इसलिए जनता ने रिजल्ट दिया है, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का पैसा सारा विदेशों में खर्च कर दिया। जनता तरस गई है, जनता ने अपना जो है नूरपुर विधानसभा, कैराना लोकसभा पर आज जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, निश्चित रूप से 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में सारे दल इकट्ठे होकर ना ही उखाड़ फेंकेंगे और निश्चित रूप से 2019 में समाजवादी पार्टी समर्थक जो है सरकार केंद्र में बनेगी और उत्तर प्रदेश में भी 22 में बनेगी। कैराना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल पहले एक हवा बनाई थी, हिंदू मुस्लिम पलायन कर रहे हैं, लेकिन आज आपको जानकारी होगी होगी पूरे देश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी पलायन करने जा रही है। मैसेज है 19 का मैसेज है और आने वाले आप टाइम में देखें 80 के 80 लोकसभा हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज कांग्रेस का गठबंधन जीतने वाला है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये जीत गरीबों, पिछड़ों, किसानों और नौजवानों की जीत है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन के बाद पार्टी को मिली सफलता से कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। उन्हें भरोसा है इस गठबंधन के जरिए 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आगरा से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज टाइम्स इंडिया।